गाइस, तो क्या हालचाल है आप लोगों के। सो आई वाज गोइंग थ्रू माय ओल्ड वीडियोस एंड मैंने सोचा क्यों ना एक पैराग्लाइडिंग की कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए। सो आज हम कंपेयर करने वाले पैराग्लाइडिंग इन खजियार वर्सेस पैराग्लाइडिंग इन बीरबेली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खजियार की, खजियार इज इन डलहौजी एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ की हाइट है समथिंग 6,000 feet और यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा रहती है, तो मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है यहाँ पे। बट ये है कि जब नहीं होता तब यहाँ पे पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम गए तो वहाँ मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, हवा बहुत तेज़ थी, तो बस लास्ट मिनट में हमें मौका मिला तो हमने पैराग्लाइडिंग करी। बट उसके चक्कर में ये हुआ कि मेरी फ़्लाइट काफ़ी जल्दी लैंड हो गई, तो मैंने उससे रीज़न पूछा तो उसने ये बोला कि हवा ख़राब हो रही थी, सो इट वॉज़ अ बिट रिस्की, तभी उसने काफ़ी जल्दी लैंड करा दिया। तो मेरी फ़्लाइट कुछ 2 मिनट की थी, इसमें 2 से 3 मिनट की। तो बट व्यूज़ यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी एंड ऑल। डलहौजी की पैराग्लाइडिंग की स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें पहले इनकी गाड़ी जो होती है, ग्लाइडर्स की जो गाड़ी होती है, पहले हमें एक पॉइंट तक ले जाती है, वहाँ से हमें ट्रैकिंग करके पैराग्लाइडिंग साइट तक जाना होता है। सो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बट जिसको ट्रैकिंग का शौक है वो लोग जा सकते हैं, जिनको ट्रैकिंग से अवॉइड करना है वो लोग ना जाएँ, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। तो ये मैं काफ़ी पहले विज़िट किया था, तो यहाँ का प्राइसिंग उस टाइम था 2200 अराउंड पैराग्लाइडिंग इंक्लूडिंग, जो ये अपने पॉइंट से पैराग्लाइडिंग साइट तक ले जाते हैं वो सब इंक्लूड होता है। सो या इट्स अ बिट कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू बीरबेली, बट जो जैसे व्यूज़ हैं रास्ते में और ग्रीनरी वगैरह है, ये बहुत ही यूनिक है, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आता है। तो ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए, ये इंक्लूडिंग वीडियो भी होता है, तो ये जो कैमरा होता है ये इनका अपना होता है, तो ये लोग इंक्लूड करते हैं और फिर ये आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर आप विदाउट कैमरा जाओगे तो आपको शायद 1600 to 1800 ये लोग चार्ज करते हैं, मैं विद कैमरा गया था। सो जैसे आपने देखा यहाँ पे लैंड करने के बाद, उसके बाद कोई भी फ्लाइट नहीं हुई थी क्योंकि मेरा लास्ट था, उसके बाद मौसम ख़राब हो गया था और ऊपर जितने भी लोग गए हुए थे उन सबको वापस ट्रैक करके नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि मौसम ख़राब की वजह से कोई फ़्लाइट नहीं हो रही थी, सब बंद हो गया था। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये रिस्क रहता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीरबेली के बारे में। इसकी हाइट है कुछ 8,000 feet और ये पिछली बार से 2,000 feet ज़्यादा ऊंचा है, एंड यहाँ के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड बीर की पैराग्लाइडिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट एंड सेकेंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट इन द वर्ल्ड। कि जंप साइट पर क्या होता है कि आपको जो नीचे बीर है वहाँ पर आपका बुकिंग वगैरह होती है, एंड वहाँ से आपको जो ग्लाइडर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी में जंप साइट तक ले जाते हैं। जंप साइट पर क्या होता है कि आप अगर रात को जाते हैं तो वहाँ पे आप कैंपिंग करके रुक सकते हैं एंड मॉर्निंग में वापस पैराग्लाइड करके वापस आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ पैराग्लाइडिंग करनी है, कैंपिंग नहीं करनी है, तो आप मॉर्निंग में भी जा सकते हैं, वो लोग अपनी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग का यहाँ पे चॉइस होती है कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्लाइडर के साथ गाड़ी में आ सकते हैं। यहाँ के चार्जेस रहते हैं 2600, इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या इंक्लूडेड होता है। 2600 में आपको क्या होता है कि कैंपिंग इंक्लूड होती है और डिनर इंक्लूड होता है एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। सो दिस इज़ अ रियली गुड डील, और इसमें कैमरा भी इंक्लूडेड होता है। और ये लोग अपने एक्स्ट्रा स्टंट्स भी कराते हैं,
तो ये लोग आपसे पूछते हैं कि आपको करने हैं या नहीं, बट स्टंट्स करने के लिए क्या होता है कि आपकी फ़्लाइट जो है थोड़ी जल्दी लैंड कर जाती है, तो अगर आपको लंबी फ़्लाइट चाहिए तो आप बिना स्टंट्स करे कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा जल्दी उतर जाता है। सो ड्यूरिंग फ्लाइट उसने मुझसे पूछा कि आपको स्टंट्स करने हैं या नहीं। सो अभी जो वीडियो है ये वाली स्टंट्स वाली वीडियो है। यहाँ की पैराग्लाइडिंग इतनी बढ़िया है, मैंने यहाँ पे दो बार कर रखी है। एक मैंने ऐसे मौसम में करी है जो कि बिल्कुल साफ़ है, और एक मैंने क्लाउडी मौसम में करी है, उसका भी अलग ही बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरा। तो ये फ़्लाइट रहती है कुछ 10 से 15 मिनट की, एंड आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि जहाँ ये लोग लैंड करते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एक ओपन ग्राउंड व्यू है, जहाँ से आपको पहाड़ों का व्यू मिलता है प्लस पैराग्लाइडर्स का व्यू मिलता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं। सेकेंड टाइम जब मैंने बीर विज़िट किया तो बहुत ही क्लाउडी मौसम था और बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था। सो लेकिन क्लाउडी मौसम का क्या रिस्क है कि अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, तो आपकी पैराग्लाइडिंग नहीं होगी, आपको वापस आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन उस मौसम में जाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी दिखती है, प्लस जो माउंटेंस का व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस चीज़ का हमें बेनिफिट मिला, क्लाउड्स एंड माउंटेंस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे उस टाइम। थोड़ी ठंड ज़रूर लग रही थी, लेकिन ये अलग ही मज़ा था। अगर आप लोगों को पिक्चर देखनी है तो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो थर्ड टाइम में हमें इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि हमने इजीली जंप किया, एंड मैंने खुद पैराग्लाइड करके ट्राई किया। सो थर्ड टाइम तक मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि कैमरा के मैंने डिफरेंट एंगल्स ट्राई किए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरा ध्यान पैराग्लाइडिंग पे ही था, तो मैंने कैमरा के इतने एंगल्स ट्राई नहीं किए थे, बट थर्ड टाइम मैंने सारे एंगल्स से कवर करने की कोशिश की।
वन मोर थिंग, अगर आप लोग पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं तो कैमरा पे इतना ध्यान मत दें, व्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कैमरा में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। बट हाँ, डिफरेंट एंगल से अपने आप को रिकॉर्ड करें, बट ज़्यादातर अगर आप व्यूज़ को एंजॉय करें तो ज़्यादा मज़ा है। रिकॉर्डिंग के चक्कर में अपने व्यूज़ ख़राब ना करें। ये मेरा थर्ड टाइम का एक्सपीरियंस था। Yeah, so this is the view I was talking about, the most beautiful view. View, man. एंड थर्ड टाइम मैं इसीलिए गया था क्योंकि मुझे वो ग्लाइडर ट्राई करना था कि कैसे होता है। सो आई एक्चुअली ट्राइड दैट एंड ग्लाइडर ने मुझे हेल्प करी, उसने भी डिफरेंट एंगल से कवर किया है। बस मुझे ये आइडिया नहीं है कि मुझे पीके वाला हेलमेट क्यों दिया। तो अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, ओवरऑल एक्सपीरियंस की अबाउट पैराग्लाइडिंग, तो गाइज देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप उस जंप साइट पर खड़े होते हैं ना, तो तब सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि आपको जंप करना होता है। उसके बाद जब आपको व्यू मिलता है तब आपको थोड़ा नॉर्मल होता है, अदरवाइज वो जो 10 सेकंड होते हैं शुरू के जंप से लेके पूरा जंप करने की, तो वो बहुत ही ख़तरनाक टाइप होते हैं। बट इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए लाइफ में। अराउंड 10 to 15 minutes की फ़्लाइट थी, तो उसके कुछ टाइम बाद फिर हमने ये वाले स्टंट्स करने ट्राई किए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डलहौजी में जो आपको पैराग्लाइडिंग है और यहाँ पे जो है, कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट सेम पड़ेगी पैराग्लाइडिंग की। बट डलहौजी का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, लाइक सिर्फ पैराग्लाइडिंग नहीं है और बहुत चीज़ें जो आप विज़िट कर सकते हैं। एंड बीर में क्या है कि पैराग्लाइडिंग इज़ द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग एंड वहाँ पर कैंपिंग है बस, उसके अलावा ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है, बस थोड़े बहुत कैफ़ेज़ हैं। लेकिन अगर हम पैराग्लाइडिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बीर बिलिंग की पैराग्लाइडिंग इज़ द बेस्ट इन इंडिया एज वेल एज़ द सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने जा रहा है और कैंपिंग करनी है तो आप लोग बीर बिलिंग ज़रूर जाएँ। डलहौजी में आपको ये कि आप काफ़ी और चीज़ें विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर और भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। कैसी लगी आपको हमारी कंपैरिजन वीडियो? ये वाली ऐसी वीडियो मैंने पहली बार ट्राई करी है, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, हम कहीं जा नहीं सकते और व्लॉग भी नहीं कर सकते। सो मैंने सोचा क्यों ना ओल्ड वीडियोस का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपको ये अच्छी लगी या आपको और डिटेल्स चाहिए इसी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अभी मैंने एंड में कुछ पिक्चर्स डाले हैं जो कि बीर बिलिंग और डलहौजी की मेमोरीज़ हैं। सो डू चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब।